तो हम तो कहते कैसा, अभी इतना शास्त्र पढ़ा, अभी प्रयोग कैसा करना आत्मा के अनुभव के लिए? प्रयोग क्या करना है? जैसे पानी ढलान की ओर बहता है स्वयं स्वभाव से, अपने अग्नि शिखा ऊपर उठती है, वैसे ही ज्ञान स्वयं चला जाता है जहाँ उसकी रुचि है। तो उपयोग को कहीं यहाँ से हटाओ वहाँ लगाओ, ये कोई बात कहनी नहीं पड़ती है और ना ही हमारे करने से होती है। जब तत्व विचार में जीव लीन होता है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है, जीव का कर्तव्य इतना ही है कि तत्व विचार में लीन हो जाए। वो तत्व विचार के काल में कर्मों में अपने आप ये मंदता होती है, उसके अनुभव घट जाते हैं, उसकी स्थिति घट जाती है और स्वयमेव दर्शन मोह मंद होकर उपशमित हो जाता है स्वयमेव। इस जीव का इतना ही कर्तव्य है कि वो तत्व विचार में लीन हो जाए। कैसा लीन हो जाए? वो निर्णय करने तक पहुँच जाए, जिस समय निर्णय हो और उसी समय उसको सम्यक दर्शन हो जाता है। तो उसके लिए कोई अटपटी प्रयत्न करते रहते हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक एक लाइन में इतना मर्म भरा है गजब का, और पूरा मार्ग उसमें कहाँ भूल होती है वो पहले लिखी उन्होंने। ऐसा भी नहीं कि ऐसा करो वैसा करो, ये नहीं कहाँ। देखो हम अज्ञानी हैं अनादि से, तो हमारी भूलें तो जो चली आई हमें पता है। इसके लिए उन्होंने वैद्य का भी उदाहरण दिया कि वैद्य के पास जाते हैं तो पहले वो बताते हैं तुम्हें ये बीमारी, क्योंकि देखते ही पता चलता है ना। आपको पता नहीं होगा, डॉक्टर जब क्लिनिक में पेशेंट आता है तो 90% डायग्नोसिस हो जाता है पेशेंट को देखकर। हाँ, हम भी जब पढ़ते थे ना, हाँ हमारे ऐसे ऐसे हमें टीचर थे कि आके वो कोई लड़की हो लड़का हो, कोई पेशेंट आके चल के आया है और कुर्सी पर बैठा है, बिना उसके पूछे पूरा डायग्नोसिस बता देते और कैसा किया बताते थे। तो ये पहचानने में आ जाता है, ख्याल में आती है ना। ऐसे ही यहाँ कहते हैं, टोडन जी ने उदाहरण दिया कि वैद्य आपको बताता है आपको ये तकलीफ है ये तकलीफ है, आपने ऐसा खाना खाया था, हाँ हाँ हाँ, तो उसको अंदाज आता है, नहीं नहीं ये कोई चतुर वैद्य होने चाहिए, फिर जो उपाय बताएंगे वो करेंगे, ऐसा है ना वो। तो ऐसे ही यहाँ कहते हैं टोडन जी साहब ने, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पहले अपनी भूल कहाँ कहाँ हो रही है। छड़ाला में भी ऐसी है, पहले क्या बताया सारी विपरीत मान्यता क्या क्या चल रही है उसका पहला स्वरूप बताया है, और फिर वो सही उपदेश क्या क्या होता है वस्तु का स्वरूप उसकी बात है, क्योंकि जो हमारी पहचान वाली चीज़ है वो पहले बताते हैं। हम परिचित है अपने ये भूलों से, इसलिए उसको पहले बताया, और फिर उसका क्या उपाय है, क्या सही मार्ग है, क्या सही ज्ञान कैसे करना उसकी बात चली।